द्विशताब्दी बीएपीसी द्विशताब्दी महोत्सवनी जय। आगे से दूर रहे माफी मांगे। से भगवान इच्छा थी जे बोला तो से भगवान इच्छा है। आप जानो छो पत्थर क्या थी आवे? तुर्की थी आवे, इटाली थी आवे, आरस नो पत्थर। अने ए पाछो आवे अपना हिंदुस्तान में, राजस्थान में एनी घड़ई थाय, अहीं थी पाछो स्टीमर नी अंदर अमेरिका जाए, अने अमेरिका बंदर थी पाछो ह्यूस्टन ने चिकागो जाए। एटले आटलू बधुं एनुं घड़तर थाय त्यारे पहोंचे छे। लोको के अमेरिका पहोंचवुं छे, अमेरिका अमथू पहोंचाय छे, पहेलुं तो अहीं घड़तर थवुं जोईए। જ્યારે મંદિર કર્યું ત્યારે તે વખતે જરા મુશ્કેલી હતી ત્યાં આગળ, એટલે ગામનું ગામ વડોદરાથી જરા દૂર, એટલે બધાને એમ થાય કે આ શાસ્ત્રીમાં અહીંયા આગળ શું આ મંદિર કર્યું? અહીં માણસ કોઈ કામ કરવા આવતા નથી, પૈસાને ઠેકા નથી, મથુરબેન મોતીભાઈ બે જણા છે એમને માથે દેવા છે, અને એ વળી પાછા બીજા ઘણાનું ભેગું કરી લે એવા છે, તો તમને લૂંટી ના લે તારું છે, આવી બધી વાતો કરતા પછી શાસ્ત્રીમાં કહે છે આ ભગવાનનું કામ છે અને કોઈ નહીં કરશે બહુ પડે કરી શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ, એટલે મીઠું લાગે થોડું, કારણ કે બહુ જાજા વખત બેસવાનું થાય તો કંટાળો આવે, ના તો આમ ઝબક 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 દર્શન થઈ જાય એ જીવમાં ઉતરી જાય, આનંદ આનંદ થઈ જાય। અમારે તો હતું કે દર્શન કરી નીકળી જઈશું, હવે આટલા બધા હરિભક્તો અહીં બેઠા છે સંતો, કે મૂકીને જવું એ કંઈ યોગ્ય ન કહે, વિવેક ના કહે, કારણ કે વિવેક પણ હોવો જોઈએ। સંતોને ભાવ છે એટલે કે ના દર્શન કરીને આપણે જઈશું, પણ હવે આટલા બધા જોયા પછી મારું મન પણ ડગી ગયું કે આના હવે એ પાછું જો આ પાછું વધારાનું ના કરવું, રહી જાવ નહીં, આટલામાં મળ્યું એ જ આપણો મોટો ભાગ છે। दूसरी बात संपत्ति आई, पैसा के लिए धन ले उसको पीछे दौड़ते हैं कि यहाँ से हम प्राप्त कर ले, यहाँ से कर ले, ये देश छोड़ के अमेरिका भी जाते हैं, वहाँ बहुत धन मिलते हैं, बहुत डॉलर डॉलर मिलते हैं, पाउंड पाउंड मिलते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं, वो दुखी होते हैं। हमने तो अनुभव किया है, कई लोग यहाँ से जाते हैं इतने दुखी हो जाते हैं कि पूछो मत, क्या वहाँ जाते हैं तो यहाँ से पैसा खर्च के जाते, 20-20 लाख 25-25 लाख खर्च के यहाँ से जाते, बाद वहाँ जाके लीगल तो बनते ही नहीं है, अलीगली काम करते हैं, मूल नहीं है तो शाखाओं कहाँ से आएंगे, यानी पांदड़ा दादड़ा फूल कोई आ सकते नहीं, जो मूल नहीं है
ऐसे हम भी दौड़ते हैं, पर हमारा जो मूल हम नहीं समझेंगे तो ये डाड़ियाँ पांगड़ा सब सुखा जाएंगे ना जंगल में। जनक राजा था, जनक राजा का ये कथा आती है। तो जनक राजा ऐसे एक दफ़े सोए थे, उसको स्वप्न आया और स्वप्न में वो कई बड़ी आँखी मिलकर छोड़ दिया। अरे लूट, यानी मिलकत और लूट लूट, ये क्या हुआ? हमारी हिंदी ऐसी है कोई मान लगा, लेकिन अब तो हमको ये इसके उसके से थोड़ी प्रेरणा मिली कि मैं भी हिंदी बोलूँ, बाकी हमारा हिंदी का भी सही नहीं। पहले स्वप्न में अपनी मिलकत सब घुमा दिया और खाओ कुछ अपने पास रहा नहीं, खाना पीना कुछ नहीं रहा। तो फिर वो भिक्षा मांगने को खाने के भूख लगी तो कुछ बर्तन तो अच्छा नहीं था, जो सोने पात्र में खाना पीता था, पर वो सब घुमा दिया। फिर भिक्षा दी तो उसमें दिए अनाज खाने के दिए पका किया, वो ले गए पीछे एक अच्छा ठिकाने कूद के वहाँ जाके बैठ गया। उसने विचार किया कि यहीं बहू और हम भोजन कर ले, ये वो चाल से लगो आसमान। आगे का तामिल चिनाई चिन्नई चिनाई चिनाई मद्रास तो ओल्ड है, चिनाई नया है। तो बड़ी भाषा बड़ी है वो, तो कैसे वो जलेबी का गुजरा जैसा ही बनता है, तो थोड़ा खा लिया था तो बहुत अच्छा था जलेबी का गुजरा। ओ अंदर का तो क्या भाषा बोला, क्या नहीं, क्या बात है, क्या ऐसे तैसे गड़बड़ गड़बड़ चलती थी, लेकिन वहाँ हमारा बड़ा भैया रहते हैं, एक छोटा भैया यहाँ बैठे हैं, बड़ा भैया ने मंदिर बनाते हैं, सत्संग कराते, छोटा भैया फोटो लेते रहते हैं। हम फरी जाओ शंखवागे, चलो शंखवागे, हम फोटा ले ले शंखवागे, खरी मजा दे ऐसे फोटो आवे तारे शंखवागे हो गए। ठीक है देखो देखो इधर देखो फोटो लेता है, फोटो की मजा कैसी है, बस तो अच्छी है, चलो आप बैठ जाइए। भगवान जो कि हमारा हिंदी टूटी फूटी रहेंगे, बाद में गुजराती पर बोल दे देंगे, जो नहीं हम कम हम टूट जाएगा तो गुजराती में बोल दे देंगे। अच्छा सब लोग राजी है कि गुजराती में बोलो तो भी अच्छा है, तो अब गुजराती में चलेगा। कि आपू भविष्य केवु है, द फ्यूचर इज ब्राइट, वी अंडरस्टैंड। आई लव यू ऑल।